हेलो गाइस, आई एम अमृता. वेलकम टू माय चैनल एम्स वर्ल्ड. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड थोड़ी बहुत मस्ती. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हमारे पास ऐसी बहुत सी साड़ियां होती है जो हम यूज नहीं करते या फिर पहनने का मन नहीं करता, तो फिर और फेंक भी नहीं दे सकते, इसीलिए हम उसका अच्छा सा यूज करेंगे. मेरे पास भी ऐसी साड़ी थी, तो फिर देखो मैंने उसका क्या किया. सो गाइस, मैंने उसका बनवाया है लहंगा एंड इट्स ए प्रॉपर रेडिश एंड लुक दिस वन. आई होप यू कैन सी इट. गाइज, मैं आपको बता दूं, ये लहंगा मैंने नहीं सिला है, ये मैंने सिलवा के लिया है. तो इसमें क्या क्या लिया है मैंने, सबसे पहले तो पूरी परचेसिंग डिजाइनिंग सारी मैंने की है कि मुझे कैसे चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, उसकी बॉर्डर क्या चाहिए, सब मैंने मीटर के हिसाब से नाप नाप के लिया है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने नीचे ये बॉर्डर लगवाई है, ये गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल बॉर्डर है. आप देख सकते हो ये कितनी प्यारी बॉर्डर है, ये वाली. इसका वर्क पूरा कुंदन वर्क है ये. सो ये थोड़ी महंगी पड़ी मुझे, बहुत प्यारी है. और फिर ये हुआ अपना फर्स्ट साड़ी का लेयर. फिर बाद में मैंने इसमें सैटून का कपड़ा लगवाया है, सैटून का. ये थोड़ा इसमें शाइन भी रहती है और ये थोड़ा ड्यूरेबल रहता है या और थोड़ा मोटा भी कपड़ा है ये, और ये बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है. नेक्स्ट लेयर इज दिस वन कैन कैन एंड दिस कैन कैन इज अमेजिंग गाइस. इट गिव्स यू प्रॉपर लुक एंड प्रॉपर व्हाट आई मीन इज प्रॉपर घेरा ऑफ दैट लहंगा एंड इट लुक ब्यूटिफुल लाइक अ डॉल. नेक्स्ट लेयर इज दिस वन दैट इज इट कॉल्ड एज इनर. इट इज प्योर कॉटन मटेरियल है ये पूरा. ये इसलिए हम लगवाते हैं क्योंकि ये जो कैन कैन है ना, थोड़ा ये रहता है, थोड़ा चुभता है अपने को, पैरों में वगैरह चुभता है, इसीलिए हम ये कॉटन का कपड़ा लगवाते हैं ताकि हम लहंगा पहनने के बाद थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करें. ओके, सो हमने कितनी लेयर्स लगवाई है. दिस फर्स्ट वन इज दिस वन दैट इज कॉटन लेयर. सेकंड वन इज कैन कैन. थर्ड लेयर इज दिस सैंटून का कपड़ा, दिस वन, एंड इट इज सम वॉट शाइनी ऑल्सो. देन एंड दिस इज अवर साड़ी. और एक बात बता दू इस, तो यहां से अगर हमने पूरी सिलाई खोल दी तो ये एज इट इज अपनी पहले की जैसे साड़ी थी तो वैसे बन जाएगी, क्योंकि ये पूरा ऐसे यहाँ पे चुन्नर देके सिलवाया गया है, तो फिर यहाँ पे कट तो आया नहीं है साड़ी को, पूरा चुन्नर देके सिलवाया गया है, तो फिर वो कली वाला लहंगा बन जाता है. तो उसमें वो ऐसा किया नहीं है, यहाँ पे तो पूरा चुन्नर लेके बनवाया गया है, तो फिर ये अपना एज इट इज मिल जाएंगे अपने को साड़ी. यहाँ पे एक ऐसा बेल्ट जैसा सिलवाया गया है और जहाँ पे हम अपना जो साइड वेस्ट में बांधते हैं नाड़ा वगैरह वो बांधते हैं. और फिर ये ऐसे लटकन्स है और ये बहुत ही प्यारे लटकन्स है. तीन 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 तीन. और गाइस, जो दुपट्टा है ना वो मैंने 2.5 मीटर का, ये सिर्फ ये कपड़ा लिया था 2.5 मीटर का. ये भी बहुत ब्यूटीफुल है. एज यू कैन सी इसमें भी मैंने ये लेस लगवाई है. ये लेस जो मैंने लहंगे को नीचे लगवाई थी वही सेम लेस है. और जो लेस है वो यहां तक ही, ये वाली लेस अलग है और ये जो मैंने बॉर्डर पे लगवाया है रेड कलर का, ये रेड वेलवेट लेस है. एंड गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ब्लाउज. मैंने ये रेडीमेड खरीदा है, जैसे मुझे कॉन्ट्रास्ट में नहीं चाहिए था लहंगे के मैचिंग में ही, जैसे ब्राइडल लहंगा रहता है वैसे ही मुझे सिलवाना था. तो ये जो ब्लाउज है ना गाइस, बहुत अमेजिंग है. ये है उसकी बाजू ब्लाउज की और ये बहुत प्यारा सा रफल दिया है इन्होंने, यहाँ पे अच्छा लगता है. और ये थोड़ी ऐसे वाली साइड में दिया है ऐसे. और फ्रंट के पैरेट ब्लाउज है गाइस, और ये फ्रंट में पूरा यहाँ पे गले में वर्क दिया है ये वाला. और इसकी जो क्वालिटी है, वर्क की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है. यही हो गया इसका ब्लाउज का फ्रंट. और फिर ये हो गया ब्लाउज का बैक. ये भी ऐसे जैसे बाजू है वैसे ही किया है और यहाँ पे वर्क भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है.
और यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा रफल टाइप दिया है, ये नीचे का ये लोअर साइड है. सो दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक, दिस इज साइड एंड साइड डिजाइन. मैं आपको इसका ओवरऑल पूरा लुक दिखाती हूँ. ये लहंगा कैसा लगा ये प्लीज कमेंट करके बता देना. थैंक यू सो मच. दिस इज इट गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल बटन एंड लाइक, डू लाइक माई वीडियो. थैंक यू सो मच.